Hello guys, this is Karthike Pandey from ITBHU and you are watching Neera Online Coaching. Guys, I'm sorry, थोड़ा सा videos में delay हुआ videos लाने में. उसके पीछे बहुत सारे reasons हैं, जो कि मैं explain तो नहीं कर सकता आपके सामने, but ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना? So अपन जो instruments की particular series continue कर रहे हैं, तो उसी में आज अपन लोग एक बहुत important instrument के बारे में बात करने वाले हैं, that is electrical instrument. और आज अपन बात करने वाले हैं galvanometer के बारे में, कि galvanometer होता क्या है, और galvanometer की ही मदद से अपन ammeter बनाना सीखेंगे. और एमीटर बनाने के बाद अपन उसी से वोल्ट मीटर बनाना भी सीखेंगे ग्लैनोमीटर की मदद से. और ये देखेंगे कि ग्लैनोमीटर को डायरेक्टली क्यों यूज नहीं किया सकता एज ए मीटर और एज ए वोल्ट मीटर. और सारी चीज़ों को एक साथ देख करके अपन एक वीडियो में ही ऐसा कर लेंगे कि एटलीस्ट फिर इससे क्वेश्चन आए तो अपन 101% तरीके से उसको कर पाए. इज इट क्लियर? तो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? ग्लैनोमीटर. ग्लैनोमीटर ना गाइस, अब एक ग्लैनोमीटर को मैं बार बार ग्लैनोमीटर ना लिख करके अपन जी से इसे रिनोट करेंगे, ठीक है ना? तो पहली बात यह आती है कि ग्लैनोमीटर का काम क्या होता है. व्हाट इज द वर्क ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट नोन एज ग्लैनोमीटर. तो यार देखो, ग्लैनोमीटर का जो सबसे बेसिक सा अपन को मतलब फंक्शन जानना है, वो ये जानना है कि डिटेक्शन ऑफ करंट का मतलब क्या था. डिटेक्शन ऑफ करंट का मतलब ये है कि ये डिटेक्ट करके बताता है कि किसी सर्किट में करंट प्रेजेंट है या नहीं. हाउ? बाय डिफ्लेक्शन ऑफ निडिल. कहने का मतलब एक ऐसी स्केल होगी और उसमें एक निडिल होगी ऐसे जो कि डिफ्लेक्ट होगी, तो हमें पता चलेगा कि वहां पे करंट है या नहीं है. इज इट क्लियर? तो करंट की प्रेजेंस को बताना मतलब कहीं ना कहीं सर्किट कंप्लीट है नहीं है, ये भी बता सकता है. सो ग्लैनोमीटर का यूज किसी भी सर्किट के कंप्लीट या ओपन होने को चेक करने के लिए भी किया जा सकता है. इज इट क्लियर? अब बात आती है कि ग्लैनोमीटर काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स. तो हमें पता है कि लेट अस सपोज कोई आर्मेचर वायर है, ठीक है ना, जिसमें कि ऐसे करंट ट्रेवल कर रहा है और हम इसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में रख देते हैं, तो क्या होता है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ फोर्सेस लगते हैं, ठीक है ना? वो फोर्सेस आप दिखा सकते हैं जाकर के दिखा, मतलब कि बाय थंब रूल्स जो भी होते हैं आपके, तो आप दिखा सकते हैं कि भैया एक पे यदि ऊपर की ओर लग रहा है तो एक पे नीचे की ओर लगेगा, जिसकी वजह से इसके अबाउट क्या पैदा हो जाएगा, टॉर्क पैदा हो जाएगा. और जब टॉर्क पैदा हो जाएगा तो पूरा का पूरा आर्मेचर मूव करना स्टार्ट कर देगा ऐसे ऐसे राउंड राउंड. इज इट क्लियर? तो जब वो आर्मेचर मूव करना स्टार्ट कर देगा तो ये क्या बताएगा, दिस इज द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन दैट सर्किट. मतलब जब सर्किट में करंट होगा तभी ऐसा हुआ होगा. तो जस्ट उसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं ग्लैनोमीटर के लिए. क्या करते हैं अपन ग्लैनोमीटर का, ध्यान से देखिए. लेट अस सपोज हमने दो परमानेंट मैग्नेट ले लिए, ठीक है. परमानेंट मैग्नेट लेने के बाद मैंने एक आर्मेचर के ऊपर कॉइलिंग कर दिया ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे. यहां से हमारा करंट इन होगा और यहां से हमारा आउट होगा, ठीक है ना, करंट ऐसे जाएगा, ठीक है. ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल हो गया. इज इट क्लियर? अब नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड स्टेब्लिश होगा. सो जैसे ही हम यहां से करंट भेजेंगे तो करंट के भेजते ही यहां पे करंट ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा और उस पर्टिकुलर वायर के ऊपर लगेगा क्या, टॉर्क लगेगा. उस टॉर्क की वजह से यहां पे वायर्स की ट्विस्टिंग होगी. जब ट्विस्टिंग होगी तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भैया इससे कनेक्टेड जो ये स्ट्रिंग है या जो एक निडिल है वो भी ऐसे ऐसे मूव करेगी और वो क्या बताएगी, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ करंट. इज इट क्लियर? अब जैसे मैं डायरेक्शन पता करना होता तो भैया वो तो डिफ्लेक्शन ऑफ निडिल के बेसिस बताया जा सकता है, ठीक है ना. यदि जीरो यहां रखते तो किधर की ओर होगा डिफ्लेक्शन, वो सब हमारे मतलब कंसिडरेशन में नहीं है. बस हमें ये जानना था हाउ इट फंक्शंस, मतलब वो वर्क कैसे करता है, वो काम कैसे करता है. तो भैया वो काम ऐसे करता है कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक कैरिंग वायर को किसी भी पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर क्या लगता है, टॉर्क लगता है फोर्सेस की वजह से, ठीक है ना. कपलिंग का कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे, तो ये ऐसे ऐसे रोल कर मतलब मूव करना स्टार्ट कर देगा, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से इससे कनेक्टेड निडिल भी डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी. सो दिस इज द सिंपल एपरेटस ऑफ ग्लैनोमीटर. इज इट क्लियर? अब बात ये आती है कि ग्लैनोमीटर पे ग्लैनोमीटर तो प्रेजेंस ऑफ करंट बता देगा, लेकिन यदि हमें प्रेजेंस ऑफ करंट के साथ साथ हमें डिटेक्शन करना किसका, करंट की अमाउंट का, मतलब वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू पर्टिकुलर सर्किट. कहने का मतलब कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितने एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए एक डिवाइस होती है दैट इज नोन एज एमीटर, ठीक है ना, एमीटर. लेकिन बात ये आती है कि एमीटर को यूज करने के लिए अपन के पास एक बेसिक फाउंडेशन होती है, वो ये होती है कि अपन को
एमीटर को सर्किट के सीरीज में ही, बैटरी के सीरीज में ही यूज करना पड़ता है। लेट अस सपोज वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दिस सर्किट, देन ऑन दैट केस वी हैव टू कनेक्ट एमीटर इन सीरीज ऑलवेज। तो जब सीरीज में अपन यूज करेंगे तो यार एक छोटी सी बात आएगी कि यदि ग्लैक्नोमीटर को मैं यूज करता एज एमीटर, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि ग्लैक्नोमीटर का कुछ ना कुछ, भले 0.1 रेजिस्टेंस होता, लेकिन कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता, और उस रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे क्या होता, सर्किट का करंट चेंज आता। तो इन रियलिटी जो आप करंट मेजर करने वाले थे वो करंट मेजर नहीं कर पाते। तो क्या ग्लैक्नोमीटर को डायरेक्टली हम एज ए मीटर यूज कर सकते हैं? नो, नॉट पॉसिबल, कभी यूज नहीं कर सकते। तो क्या मॉडिफिकेशन करें अपन कि भैया ग्लैक्नोमीटर को अपन एज ए मीटर यूज कर सके? तो वही चीज अपन को आज सीखना है, वही मेन फोकस करना है। इज इट क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें एक कॉन्सेप्ट पता होता है कि जब कोई भी दो रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल में जुड़े होते हैं, लेट अस सपोज एक रेजिस्टेंस R1 है और एक रेजिस्टेंस R2 है, दोनों एक दूसरे से पैरेलल में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो जो AB के अबाउट जो टोटल रेजिस्टेंस होगा AB के अबाउट R इक्विवेलेंट, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा R1 into R2 अपॉन R1 plus R2। और हमें एक बात पता होती है, हम ये बात कह सकते हैं कि यदि इनमें से R1 और R2 में से रिलेशन था कि R1 was greater than R2, कहने का मतलब R1 बड़ा था किससे? R2 था, R2 से, तो R2 सबसे छोटा रेजिस्टेंस हुआ। तो हमें एक प्रॉपर्टी पता होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन की कि भैया जो R इक्विवेलेंट होगा वो सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा होगा, मतलब R इक्विवेलेंट विल बी लेस देन R2। सो यहां से हमने कितना अच्छा रिजल्ट सीख लिया, हमने यहां से ये सीख लिया कि भैया कभी भी कोई भी दो रेजिस्टेंस यदि पैरेलल में कनेक्टेड है तो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा वो सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी छोटा आएगा। क्या बात है! तो इसी पर्टिकुलर अपन लाइन का यूज करके और गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करते हैं किसमें? एमीटर में। चलिए देखते हैं कैसे। सो अपन जो अब टॉपिक है जिसे अपन सीखना है वो ये है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए अपन करते क्या है, गैल्वेनोमीटर के अबाउट ही अपन लोग एक शंट रेजिस्टेंस यूज कर लेते हैं जिसका कि रेजिस्टेंस बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा, जस्ट टेंडिंग टू द जीरो, या कहने का मतलब बहुत ज्यादा छोटा। इज इट क्लियर? उस रेजिस्टेंस को अपन पैडल लगा देते हैं। किसके पैडल लगा देते हैं? ग्लैक्नोमीटर के पैडल लगा देते हैं। तो कुछ ऐसा होगा, लेट अस सपोज दिस वाज योर ग्लैक्नोमीटर एंड दिस इज योर शंट रेजिस्टेंस, या आपने इसको कनेक्ट करा दिया पैडल में, किसके? ग्लैक्नोमीटर के। अब एक बात बताइए, आपको एक छोटा सा प्रिंसिपल पता होता है कि भैया जहां साइड रेजिस्टेंस बढ़ाओगे वहां साइड करंट घट जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि शंट रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस वो बहुत ही छोटा है, तो यदि यहां से करंट आई आता तो उस आई का मेजर पार्ट कहां से चला जाता? एस वाले शंट रेजिस्टेंस से चला जाता, वो आईजी से पास नहीं होता क्योंकि आईजी का रेजिस्टेंस तो ज्यादा है, सॉरी ग्लैक्नोमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो वहां से ना पास करके कहां से पास कर जाता? शंट रेजिस्टेंस से पास कर जाता। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब शंट रेजिस्टेंस से पास कर जाता तो करंट में बहुत ज्यादा मेजर चेंज नहीं आता। किसकी वजह से? ग्लैक्नोमीटर के रेजिस्टेंस की वजह से। क्यों? क्योंकि मेजर करंट तो शंट रेजिस्टेंस से पास कर रहा है जिसका कि रेजिस्टेंस बहुत ही लो है। सो गाइस, यहां से भी करंट फ्लो कर गया आईजी, तो इधर कितना फ्लो कर जाएगा? आईजी माइनस, सॉरी आई माइनस आईजी। ये मैंने कैसे किया? जंक्शन रूल से। आई माइनस आईजी, यहां पर आई गया था, इधर आईजी गया, तो इधर आई माइनस आईजी चला गया। अब ये पूरा का पूरा जो एपरेटस है ये एमीटर की तरह यूज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा इस सर्किट का, जो आर इक्विवेलेंट होगा, वो बहुत ही छोटा होगा इन कंपैरिजन टू जी, क्योंकि भैया जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो तो शंट रेजिस्टेंस से ही छोटा था, और हमने शंट रेजिस्टेंस ऑलरेडी बहुत छोटा लिया है इन कंपैरिजन टू ग्लैक्नोमीटर रेजिस्टेंस। सो इज इट क्लियर? सो यहाँ पे अब कोई मेजर चेंजेस नहीं आएंगे करंट में, मतलब जो हम वैल्यू मेजर करने वाले हैं इस बनाए हुए मीटर की मदद से वो अप्रॉक्सली, चलो एक्यूरेट तो नहीं आएगी लेकिन अप्रॉक्सली एक्यूरेट बोल सकते हैं, मतलब अप्रॉक्सली लाइक कर रही होगी रिजल्ट से, ट्रू वैल्यू से, ठीक है। तो चलिए इसका यूज करते हैं अपन लोग मेन सर्किट में। नाउ गाइस, अब हम देख सकते हैं कि हमने जो ये ग्लैक्नोमीटर का हमने मॉडिफिकेशन किया था एमीटर के फॉर्म में, उस एमीटर को सर्किट के सीरीज में रखा गया है। इज इट क्लियर?
सो अब हम करंट को मेजर कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि भैया करंट का मेजरमेंट कैसे करें ग्लैनोमीटर, हाउ ग्लैनोमीटर विल टेल अस कि मतलब कितना इन रियलिटी वहां पे टोटल करंट है। तो देखो हमें एक बात पता है कि ग्लैनोमीटर जब हम अभी यदि देखा जाए तो जो इसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है ना, क्योंकि सेम वायर से कनेक्टेड है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं यदि इसका रेजिस्टेंस जी और इसका रेजिस्टेंस एस है तो आई जी इंटू जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, चलो सॉल्व करके देखते हैं थोड़ा थोड़ा। तो ये आ जाएगा आई जी ब्रैकेट में एस प्लस जी इक्वल टू आई एस विच इंप्लाइज आई जी इक्वल टू आई जी इक्वल टू आई एस अपॉन एस प्लस जी। अब ध्यान से सोचिए तो ये तो एक कांस्टेंट है, ये तो एक कांस्टेंट है, तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ इस लाइन के बेसिस पे कि आई जी जो है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। कहने का मतलब हम कुछ ग्लैनोमीटर को ऐसा आप कैलिब्रेशन करेंगे, उसे ऐसा मॉडिफिकेशन करेंगे कि भैया जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा करंट पता चलेगा। तो यदि फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो रहा तो हमें पता चल जाएगा कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए इतना मैक्सिमम करंट वहाँ पे हो सकता था, क्योंकि फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो हमारा ग्लैनोमीटर है यदि वो 5 मिलीएम्पियर दे रहा है तो हम एट द मोमेंट 5 मिलीएम्पियर यहाँ पुट कर देंगे और हमें आई की वैल्यू मिल जाएगी। यदि हमारा ग्लैनोमीटर 2 मिलीएम्पियर का डिफ्लेक्शन दे रहा है तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे आई की वैल्यू पता चल जाएगी। मतलब हमने क्या किया, हमने जी के बेसिस पे किसके रेजिस्टेंस को निकाल लिया, सॉरी किसके करंट को निकाल लिया, टोटल सर्किट के करंट को निकाल लिया। मात्र हमने क्या ऑब्जर्व किया था, हमने यहाँ पे स्केल डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व किया और हम देख सकते हैं कि जितना ज्यादा आई जी होगा उतना ज्यादा आई होगा, वो क्लियर है। सो गाइस जो आपको ग्लैनोमीटर की प्रॉब्लम्स, जिनको एमीटर में मतलब मॉडिफिकेशन के बाद जो प्रॉब्लम्स आएंगी उन हर प्रॉब्लम में आपको मात्र यही लाइन याद रखनी है, क्योंकि ये आपका एक ब्रह्मास्त्र है, ठीक है ना, जो कि आपसे हर वक्त आना चाहिए। यदि आपसे ये ब्रह्मास्त्र बन रहा है तो ग्लैनोमीटर एज ए मीटर की कोई भी प्रॉब्लम आपसे 101% बनेगी। अब मान लीजिए आपसे पूछ लेता कि फॉर दिस ग्लैनोमीटर्स फुल डिफ्लेक्शन एंड फॉर दिस करंट व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, तो क्या करते, इन्हीं को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई कराते और शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है। कुछ शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाती, वो जाती आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। मतलब यदि आपको फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ ग्लैनोमीटर करंट बता दिया जाए और करंट थ्रू द सर्किट बता दिया जाए और पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर के लिए कितना शंट रेजिस्टेंस चाहिए होगा तो आप निकाल सकते थे। इज इट क्लियर? अब गाइस इस एमीटर ग्लैनोमीटर के जो मॉडिफिकेशंस की जो केस है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आती है और वो होती है रिलेटेड टू रेंज। पूछता है कि यदि हमारा ग्लैनोमीटर है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन इतने में दिखा सकता है, ठीक है, तो कितने रेंज तक हम करंट मेजर कर सकते हैं, या ऐसा पूछता है कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन इतने में दिखा रहा है और हम इतने तक का रेजिस्टेंस मेजर, इतने तक का करंट मेजर करना चाह रहे हैं इतने रेंज का, तो हमें कितना शंट रेजिस्टेंस चाहिए होगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक क्लू देता हूँ कि जो रेंज होती है वो फिक्स होती है, उसके पीछे रीज़न क्या होता है, उसके पीछे रीज़न ये होता है कि जो ग्लैनोमीटर है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन एक पर्टिकुलर करंट पे ही देगा, उससे यदि हायर करंट आप पास कराएंगे तो क्या हो जाएगी, बर्निंग हो जाएगी या शॉर्ट सर्किट कर जाएगा या अपना ग्लैनोमीटर जो होगा वो टोटली खराब हो जाएगा, उसके बाद आपको वो वर्क करके नहीं दिखाएगा। यदि मान लीजिए किसी ग्लैनोमीटर का 5 मिली एम्पियर या 5 माइक्रो एम्पियर इतना है उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन और आपने डाल दिया 6 माइक्रो एम्पियर, बर्बाद, खत्म हो गई डिवाइस, उसी वक्त जल जाएगी, तो उस वक्त वो काम नहीं कर। तो अब अपन यदि रेंज बढ़ाना चाह रहे करंट मेजरिंग की तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन तो नहीं बढ़ा सकते ग्लैनोमीटर का क्योंकि वो तो फिक्स है, तो भैया मॉडिफिकेशन कहाँ करेंगे, शंट रेजिस्टेंस पे। तो याद रखिए जो मेन क्वेश्चन बनेगा वो इस पे बनेगा कि यदि ग्लैनोमीटर की फुल स्केल डिफ्लेक्शन इतनी है और हम इतने रेंज का करंट मेजर करना चाह रहे हैं तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर? तो चलिए करके देखते हैं, 1 से 2 प्रॉब्लम्स अपन का और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, चलिए देखते हैं। नाउ गाइस वी हैव अ क्वेश्चन इन विच सम वैल्यूज आर गिवन। आपको बताया हुआ है कि जो ग्लैनोमीटर का रेजिस्टेंस है दैट इज 50 ओम एंड फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो ग्लैनोमीटर देगा
वो देगा 50 × 10⁻⁶ एम्पियर पे, मतलब 50 माइक्रो एम्पियर पे। और जो उसकी रेंज है, मतलब रेंज मेजर करवाना है आपको, या जो आप करंट मेजर करना चाहते हैं सर्किट पे, उसकी रेंज दे रखा है कि 0 to 5 मिली एम्पियर। मतलब किसी भी सर्किट से जो फ्लोइंग करंट की वैल्यू आप मेजर करना चाहते हो, 0 to 5 मिली एम्पियर की रेंज का मेजर करना चाहते हो, तो पूछा है कि शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो कि हम उस रेंज के करंट को मेजर कर पाए। इज इट क्लियर? तो चलिए देखते हैं, एकदम बेसिक से हम एक सर्किट बना लेते हैं, सर्किट बना लेते हैं अपने मन से, ठीक है ना। लेट अस सपोज हमारे पास नॉर्मली ये सर्किट है, ठीक है, तो हम क्या मेजर करना चाहते हैं, देखो 0 to 5 मिली एम्पियर के बीच में। तो यदि मैं सारे रेंज का मेजर करना चाहता हूं, तो मैं सबसे बेसिक से कौन मेजर करना चाहूंगा, 5 मिली एम्पियर वाला, क्योंकि यदि मैं सबसे लार्जेस्ट करंट की वैल्यू ये मेजर कर लिए, तो उससे छोटे करंट्स की वैल्यू तो अपने आप ही मेजर हो जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देयर इज नो बिग इशू। सो हम क्या करने वाले हैं, हम 5 मिली एम्पियर के बारे में सोचने वाले हैं, हम 0 से 5 के बीच में नहीं सोचेंगे, हम मात्र 5 के बारे में सोचेंगे। कहते हैं ना कि सब सेनापति को मार दो तो सेना अपने आप ही खत्म हो जाती है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि भैया सबसे बड़े वाले के लिए चेक कर लो, छोटे तो अपने आप मेजर हो जाएंगे। तो चलो हम मान लेंगे कि जो आई की वैल्यू आई होगी वो कितनी हुई होगी, 5 मिली एम्पियर। मतलब आई की वैल्यू कितनी रही होगी, 5 मिली एम्पियर, जिसको हम मेजर करना चाहते हैं। और फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो मिला होगा ग्लैनोमीटर पे, वो कितने पे मिला होगा, मतलब कितना मिला होगा, 50 × 10⁻⁶ × 10⁻⁶ एम्पियर, इतना करंट फ्लो कर रहा होगा ग्लैनोमीटर से। इज इट क्लियर फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए? अब इधर से कितना गया होगा, आई माइनस आई जी, तो चलो लगा दो जितना इसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस, उतना ही इसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस लगा दो, तो क्या मिल जाएगा अगले मोमेंट पे ही, 50 × 10⁻⁶ × 50 रेजिस्टेंस ऑफ ग्लैनोमीटर इक्वल टू, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अबाउट ग्लैनोमीटर। अब शंट के अबाउट लिखते हैं, तो आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू 5 मिली एम्पियर, तो 5 × 10⁻³ माइनस 50 × 10⁻⁶ फुल स्केल डिफ्लेक्शन इंटू शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो कि हमें निकालनी है। सो यहां से शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी आ जाएगी, जो आप कैलकुलेशन के लिए जाएंगे तो आ जाएगा 50 × 10⁻⁶ सो गाइस ये हमने कैलकुलेशन कर लिया और हमारा रिजल्ट आ गया। इज इट क्लियर? मतलब मुझे एक बात पता चल गया कि भैया हमें कितना शंट रेजिस्टेंस चाहिए होगा। यदि हम 0.5 ओम का शंट रेजिस्टेंस यूज करेंगे, तो हमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भैया सारे लेवल का, ये सारी रेंज का करंट मेजर करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब हम वो मेजर कर पाएंगे। तो अब देख सकते हैं आप कि जो रेजिस्टेंस ऑफ ग्लैनोमीटर वो कितना है, 50 ओम है, लेकिन जो शंट रेजिस्टेंस करंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.5 ओम। तो आप देख सकते हैं कि जो 1/2 होता है वो बहुत ही छोटा होता है इन कंपैरिजन टू 50। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो जो आर इक्विवेलेंट आया होगा वो तो भैया 1/2 से भी छोटा आया होगा। तो आप खुद सोचिए कि 50 कंपैरिजन में जो टोटल रेजिस्टेंस आ गया वो 1/2 से भी छोटा आ गया। सो अब जो हमारा करंट मेजर होगा वो ज्यादा एक्यूरेट मेजर होगा और ग्लैनोमीटर के रेजिस्टेंस का उतना अंतर नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर? सो गाइस ये था मॉडिफिकेशन ऑफ ग्लैनोमीटर इन द फॉर्म ऑफ एमीटर। अब अपन एक और प्रॉब्लम से देखते हैं और उसके बाद वोल्ट मीटर पेपर निकल चलेंगे ना। गाइस वी हैव वन क्वेश्चन जिसमें कि बोल रखा है कि शंट रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू हो कि जो टोटल करंट है उसका मात्र 10% ही पास करे, किससे, ग्लैनोमीटर से, जिसका कि रेजिस्टेंस है 99 ओम। एक ग्लैनोमीटर है और उससे कितना पास करे, 10% पास करे, किसका, 10% ऑफ टोटल आई, मतलब जितना करंट आई आया होगा बैटरी से उसका मात्र 10% ही पास करे, किससे, ग्लैनोमीटर से। और इस ग्लैनोमीटर का जो रेजिस्टेंस दिया है वो है 99 ओम। क्लियर है? अब बात ये आती है कि पूछा है कि भैया शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, तो हम सिंपली सोचेंगे कि भैया ऐसे कुछ हुआ होगा, ये जी होता, ये हमारा यस होता,
ठीक है, ऐसे होता करंट आई आया होता तो यहां से कितना गया होता 10% ऑफ आई, मतलब 0.1 आई, तो इधर कितना गया होता 0.9 आई। वाह क्या बात है, तो बस हम दोनों को मल्टीप्लाई करा के इक्वेट करा दो इसके पोटेंशियल डिफरेंस के वो, चलो करा देते हैं। तो 0.1 आई इंटू 99 ओम जिसका रेजिस्टेंस है इक्वल टू इसके अबाउट 0.9 आई इंटू रेजिस्टेंस आर, तो आई से आई छेप दीजिए, ठीक है बहुत अच्छा, या 0.9 को उधर ले जाइए। सर गाइस जब अपन इसे पूरा काट कूट के देखेंगे तो कितना आ जाएगा 11 ओम, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो हमें पता चल गया कि भैया 11 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए होगा, और यदि 11 ओम का हम रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस की तरह यूज कर रहे हैं तो मात्र 10% ऑफ करंट ही पास करेगा, किससे, गैल्वेनोमीटर से। सो गाइस ये हुई दूसरी प्रॉब्लम। अब मैं आपको लास्ट में कुछ होमवर्क के फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम छोड़ के जाऊंगा, ठीक है ना, वो कि आपको वीडियोस के लास्ट में मिलेंगी। अब अपन स्टार्ट करते हैं वोल्ट मीटर। अब गाइस बात आती है कि वोल्ट मीटर क्या है, तो वोल्ट मीटर वो है, वो डिवाइस है या वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसी भी सर्किट में किसी भी रेजिस्टेंस के अबाउट कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मेजर करके देता है। कहने का मतलब कुछ ऐसा, लेट अस सपोज कोई ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो आप इसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाह रहे हो तो आप क्या करेंगे, इसके अबाउट वोल्ट मीटर अप्लाई कर देंगे, और जब वोल्ट मीटर लगा देंगे तो आपको उसके अबाउट कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर को अपन वोल्ट मीटर की तरह डायरेक्टली क्यों यूज नहीं कर सकते, व्हाई वी कैन नॉट यूज गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली एज वोल्ट मीटर। तो हमें पता है कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो होता है, लेकिन वो जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही बड़ा या सिमिलरली टू इनफाइनाइट कभी नहीं हो सकता। कहने का मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कभी इनफाइनाइट नहीं टेस्ट करता। तो जब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट टेस्ट नहीं करता तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भैया यदि हम उसे यहाँ पे एज ए जी लगाएंगे, ठीक है, तो कुछ ना कुछ करंट इससे पास कर जाएगा। तो जब कुछ ना कुछ करंट इससे पास कर जाएगा तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यहां से कुछ कम करंट पास करेगा, और जब कम करंट पास करेगा तो हमारे एक्सपेक्टेशन से कम रिजल्ट आएगा। सो हम मेजर कुछ और करने जा रहे थे, मेजर करके कुछ और आ गए, क्यों, क्योंकि भैया कुछ ना कुछ करंट तो गैल्वेनोमीटर से ही पास कर गया होगा, क्योंकि भैया उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट तो नहीं है, जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं है तो कुछ ना कुछ करंट तो पास करेगा। तो क्या करें अपन लोग गैल्वेनोमीटर के केस में कि उसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सके। तो अब आता है मॉडिफिकेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो अपन इसे कैसे मॉडिफाई करेंगे, अपन गैल्वेनोमीटर को तो लेंगे और उसके सीरीज में, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में पिछले केस में क्या कहते हैं पैरेलल में लिए थे, अब सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करा देंगे आर, शंट रेजिस्टेंस बोलिए चाहे रेजिस्टेंस बोलिए, जिसको हम कनेक्ट कराएंगे, और इस आर की वैल्यू क्या होगी, वेरी हाई, बहुत हाई हो जाएगा। तो क्यों हमने ऐसा किया, अब आपके मन में आई होगी एक उंगली हो रही होगी कि क्यों आपने ऐसा किया, तो उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे रीजन ये है कि जब कोई रेजिस्टेंस आर वन और कोई रेजिस्टेंस आर टू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो कितना आता है, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आएगा आर वन प्लस आर टू, और यदि यहाँ पे पता होता कि आर वन वॉज ग्रेटर देन आर टू तो मैं आंख मूंद के कह सकता हूँ कि जो आर इक्विवेलेंट आया होगा वो क्या हो गया होगा, आर वन से भी बड़ा होगा। मतलब इन प्रीवियस केस क्या हो रहा था, जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस था उससे भी रिजल्टेंट छोटा आ रहा था, इस केस में क्या हो रहा है, जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है उससे भी बड़ा रिजल्टेंट आएगा। तो यदि हम यहाँ पे 10,000 ओम का रेजिस्टेंस यूज कर लिए होते तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ओवरऑल क्या देता, 10,000 समथिंग। पहले कितना था गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, मात्र 50 ओम, जिसकी वजह से कुछ करंट पास कर जा रहा था, लेकिन अभी बहुत हाई रेजिस्टेंस हो गया जिसकी वजह से अब गैल्वेनोमीटर से उतना करंट पास नहीं करेगा जितना कि प्रीवियस केस में पास कर रहा था। तो अब जो हमारा रिजल्ट आएगा वो इट्स ओके कि एक्यूरेट नहीं आएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट तो आएगा, और जब अप्रोक्सीमेट आएगा तो हमारा मेजरमेंट एक तरह से सही माना जाएगा। इज इट क्लियर, इसीलिए हमने क्या किया, हमने सीरीज पे एक हाई रेजिस्टेंस लगा दिया। अब जब हाई रेजिस्टेंस लगा दिया तो अब सर्किट चेंज हो जाएगा, चलिए देखते हैं कैसे चेंज हो जाएगा। सो गाइस अपना जो अब इक्विवेलेंट नया सर्किट होगा कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अब हमें एक बात पता चल गई कि एक बात तो हमें अश्योर्ड है, वो क्या अश्योर्ड है, हम ये अश्योर्ड थे कि भैया जो अब रेजिस्टेंस यहाँ से पास कर रहा हो गैल्वेनोमीटर से वो बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम होगा। तो जब बहुत ही कम होगा तो चलिए क्या करेंगे देखते हैं।
तो मैं मानता हूं लड़ा सपोज कि यहां से आईजी करंट पास किया, वो आईजी कैसे पता चला, वो इसके ग्लैनोमीटर के फुल स्केल डिफ्लेक्शन से पता चला कि भैया यहां पे आईजी पास किया। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अबाउट होता उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अबाउट होता इस रेजिस्टेंस के अबाउट, जिसके अबाउट हमें मेजर करना है। तो अपन क्या लिख लेते, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी अबाउट रेजिस्टेंस दैट शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अबाउट दिस सेक्शन एंड दैट विल बी इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। सो करंट दैट वाज आईजी Ig into G plus here Ig into S। अब आप देख सकते हैं कि यहां से आपको डेल्टा Vr की वैल्यू मिल चुकी है। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई जो कि एज अ ब्रह्मास्त्र की तरह है आपके लिए। ये क्या है, ब्रह्मास्त्र है। यदि आप चाह रहे हैं कि वोल्ट मीटर और ग्लैनोमीटर के कॉम्बिनेशन जो क्वेश्चन आते हैं यदि आपसे वो बने तो आप इस लाइन को एकदम समझ लेना, पीस के पी लीजिए। अब आपको यदि मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा देता कि आपके पास दिया हुआ है ग्लैनोमीटर का रेजिस्टेंस, फुल स्केल डिफ्लेक्शन बताया हुआ है और बोलता कि हमें इतने से इतने रेंज का लड़ा सपोज पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती, तो कुछ नहीं करते रे, बस इसका मॉडिफिकेशन करते। कैसे, और देखते हैं। तो डेल्टा वी आर ऐसे ले लेते हैं माइनस इस आई जी बाय आई जी इंटू जी को उधर भेज दो रे, तो कितना हो गया आई जी इंटू जी अपॉन इस आई जी को उधर डिवाइड करा दो रे, तो ये आईजी हो गया। तो ये क्या आ गया तुम्हारा, ये आ गया शंट रेजिस्टेंस। इसी को मॉडिफाई करके लिख सकते थे डेल्टा वी आर जिसको मेजर करना है अपॉन आईजी माइनस जी इक्वल टू शंट रेजिस्टेंस। वाह क्या बात है, अपना रिजल्ट आ गया। अब अपन देखते हैं ना गाइस, अपन एक क्वेश्चन की मदद से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये मॉडिफिकेशन जो किए उसकी मदद से अपन कुछ कर पा रहे हैं नहीं। चलिए देखते हैं गाइस, नाउ वी हैव वन क्वेश्चन रिलेटेड टू वोल्ट मीटर, जिसमें कि बोला है कि ग्लैनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 30 ओम है, ग्लैनोमीटर आपका फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देगा कितने में, 2 मिली एम्पियर पे, और बताया है कि आपको रेंज मेजर करना है 0.2 वोल्ट की, मतलब 0 to 0.2 वोल्ट का आप पोटेंशियल डिफरेंस अबाउट एनी रेजिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ सच मॉडिफिकेशंस, इज इट क्लियर। तो उसके लिए रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, मतलब हमें हम ग्लैनोमीटर के ग्लैनोमीटर के सीरीज में कितना रेजिस्टेंस लगाएं कि हम इतनी रेंज का वोल्टेज डिफरेंस मेजर कर सके। तो एकदम बेसिक से सोचेंगे कि भैया कुछ ऐसा फिगर होगा हमारा, ये ग्लैनोमीटर हो जाएगा, ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है, और ये हमारा कोई भी अप्लायंस हो गया जिसके अबाउट हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, ठीक है। तो यदि हमें 0.2 मैक्सिमम तक मेजर करना, तो हम मैक्सिमम यदि मेजर कर पा रहे हैं तो उससे छोटा तो मेजर कर ही लेंगे। तो भैया चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहां से करंट कितना पास किया होगा, आईजी, तभी तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है, ठीक है, मैक्सिमम के लिए। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे आईजी, तो 0.2 इक्वल टू इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अबाउट मानना हमें, दैट शुड बी इक्वल टू आईजी इंटू जी। तो आईजी की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻³ इंटू यहां का रेजिस्टेंस दैट इज 30 ओम, ठीक है, प्लस अब रेजिस्टेंस ऑफ शंट हमें पूछा है, मतलब इसका रेजिस्टेंस पूछा है, तो आर इंटू 2 × 10⁻³, इज इट क्लियर। तो शंट रेजिस्टेंस एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.2 अपॉन 2 × 10⁻³ माइनस 30, इज इट क्लियर, जिसको सॉल्व करने पे मिल जाएगा, जिसको सॉल्व करने में मिल जाएगा हमें 70 ओम। सो गाइस आप देख सकते हैं यदि आपके पास रेजिस्टेंस जो कि ग्लैनोमीटर के सीरीज में अटैच होगा यदि उसकी वैल्यू 70 ओम हो जाए तो आप इस रेंज का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लैनोमीटर मॉडिफाइड एज अ वोल्टमीटर। सो गाइस ये तो हमने नॉर्मल से प्रॉब्लम सीख ली। अब एक कॉन्सेप्ट आता है, एक और क्वेश्चन आता है जो कि मैं यहाँ पर सॉल्व तो करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं उसके लिए आपको हिंट देता हूँ। पूछता है कि व्हाट इज परसेंटेज एरर इन मेजर्ड करंट, या व्हाट इज परसेंटेज एरर इन मेजर्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो भैया वो ये कहना चाह रहा है कि यदि एमीटर की बात करें तो शंट रेजिस्टेंस आपने जो लगाया उसकी वजह से रेजिस्टेंस तो घट गया है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस बचा होगा, उसकी वजह से जो करंट में चेंज आया है वो कितने परसेंटेज का है, मतलब रिलेटिव चेंज, इज इट क्लियर। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करते, I-I / I/100 इज इट क्लियर, और सॉल्व होकर कितनी परसेंटेज एरर आ जाती। उसी तरह की परसेंटेज एरर किस में आ जाती,
आपकी आई थी वोल्टेज में वी डैश माइनस वी अपॉन वी, वेयर जो आपका आई डैश होता वो होता एक्चुअल करंट, मतलब एक्चुअल करंट इन द सेंस ऑफ सेइंग कि जब हमारा एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो माने होते तो उसकी वैल्यू कितनी आती, वी बाई आर, क्योंकि भैया तब तो एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होता तो जो रेजिस्टेंस सर्किट में था बस उसका। लेकिन जब हमारा एमीटर कनेक्टेड हो गया और उसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मान लिया तब जो नई वैल्यू आ गई वो आई हो गई और उसकी वैल्यू कितनी आती, वी अपॉन आर प्लस आर ए, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, जिसकी वैल्यू कितनी आती, वन अपॉन एस प्लस वन अपॉन आर का, सॉरी वन अपॉन एस प्लस वन अपॉन जी का इनवर्सली मतलब इनवर्स। इज इट क्लियर? सॉल्व करके तो इस तरह से आप परसेंटेज चेंज निकाल लेते हैं। इज इट क्लियर? उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। अब आपके लिए मैं कुछ होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ जिनको कि सॉल्व करके और आपको कमेंट लाइन में मेरे बताना है। और गाइस सॉरी यदि कोई वीडियोस नहीं आ पाए तो उनके लिए, बट मैंने प्रॉमिस किया तो मैं वाई डी एस सी लेके आऊँगा। मैं वाई डी एस सी विद इन 1 to 2 days 101% वाई डी एस सी अपडेट कर दूंगा। और जो मैंने नए सेशन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट का लॉन्च किया था, पूरा का पूरा एजुकेशन का सिस्टम मैं सोचा हूँ वो भी आएगा, बहुत जल्द आएगा। 1 तारीख के पहले पहले टाइम टेबल इशू हो जाएगा और 1 तारीख से आप लोगों की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, वो कोई नहीं रोक सकता। सो गाइस यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं मारो तो सब्सक्राइब मारो यार, क्योंकि यहाँ पे मिलने वाली है ढेर सारी एजुकेशनल वीडियोस रिलेटेड टू फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स फॉर आई टी जेई नीट, और आपकी काउंसलिंग टाइम पे भी हम बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। सो गाइस टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।